हेलो किसान दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में जानेंगे शरद ऋतु में तैयार होने वाली फूलगोभी किस्मों के बारे में। दोस्तों, फूलगोभी किस्मों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी अगेती फूलगोभी किस्म है, दूसरी श्रेणी पचेती फूलगोभी किस्म है और तीसरी श्रेणी समैया यानी मौसमी किस्म है, जो सही समय फूलगोभी की खेती करने का होता है। ज़्यादातर किसान भाई को यह पता नहीं होता कि कौन सा फूलगोभी वैरायटी को कौन से मौसम में लगाना चाहिए। यह जानकारी नहीं मालूम होता, जिसके कारण किसान भाई को खेती में नुकसान उठाना पड़ जाता है। दोस्तों, अगर आप पहली बार YouTube चैनल छोटे फार्मिंग पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए पहले जानते हैं दोस्तों, तीनों श्रेणी को कौन कौन सी महीना में आता है, जिससे आपको सही जानकारी और सही से समझ में आ सके। पहले अगेती किस्मों का महीना के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगेती फूलगोभी किस्मों की रोपाई मई से अगस्त तक किया जाता है, जिसको सितंबर से दिसंबर में कटाई हो जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पचेती किस्मों के बारे में। पचेती फूलगोभी किस्मों की रोपाई की सही समय फरवरी से अप्रैल महीना तक किया जाता है, जिसकी कटाई मई से जुलाई तक चलता है। अब बात करते हैं मौसमी फूलगोभी वैरायटी कौन से महीना में लगाया जाता है। पुराने समय में किसान साथियों फूलगोभी की खेती ठंड मौसम में ही किया जाता था, लेकिन वैज्ञानिकों ने 12 महीने लगाई जाने वाली फूलगोभी किस्मों को विकसित कर चुका है। मौसमी फूलगोभी किस्म शरद ऋतु किस्म होता है। मौसमी फूलगोभी वैरायटी को रोपाई करने का सही समय सितंबर लास्ट से दिसंबर महीना में लगाया जाता है। किसान साथियों मौसमी फूलगोभी की खेती करते हैं तो फूलगोभी फसल में बीमारी ना के बराबर लगता है। मौसमी फूलगोभी खेती में अतिरिक्त खर्च कम लगता है, सिंचाई कम करना पड़ता है, कीटनाशक का छिड़काव ना के बराबर करना पड़ता है और फूलगोभी की पैदावार अधिक होता है। दोस्तों, तो किसान भाइयों आपके साथ मौसमी फूलगोभी यानी रबी मौसम में लगाई जाने वाली तीन फूलगोभी वैरायटी जो सिजेंटा कंपनी ने बनाया है, सिजेंटा की फूलगोभी वैरायटी के बारे में बारी बारी से जानते हैं। तो पहले तीसरे स्थान पर CFL रिगल वाइट, सिजेंटा की CFL रिगल वाइट 12/1/2022 को विकसित किया गया है, जो कि नई वैरायटी है, सिजेंटा कंपनी की फूलगोभी वैरायटी। इस वैरायटी का फूल की बात करें तो इसका रंग प्योर वाइट होता है। इस वैरायटी का पौधा हाइट में लंबा होता है, क्योंकि इसका फल का साइज अन्य फूलगोभी से डबल होता है। CFL रिगल वाइट फूलगोभी वैरायटी 75 से 80 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाता है। CFL रिगल वाइट फूलगोभी वैरायटी को आप रबी मौसम में लगा सकते हैं। भारत के किन किन राज्यों में इसको लगाया जा सकता है, अब इस पर बात कर लें। तो इसको बिहार, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन सभी राज्यों में इसकी खेती रबी मौसम में किया जा सकता है। एक पौधे से बात करें तो एक पौधे से 1.5 किलो से 2.5 किलो वजन देता है यह फूलगोभी वैरायटी। अब बारी है दोस्तों दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पर सिजेंटा कंपनी की फूलगोभी वैरायटी सुहासिनी है। सुहासिनी फूलगोभी वैरायटी है दोस्तों। सुहासिनी फूलगोभी वैरायटी को रबी मौसम में ही लगाया जा सकता है। सिजेंटा की सुहासिनी फूलगोभी वैरायटी 2/5/2019 को विकसित किया गया है। सुहासिनी फूलगोभी वैरायटी रोपाई से 70 से 75 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर सिजेंटा की रिगल वाइट 75 से 85 दिनों की वैरायटी है दोस्तों। सुहासिनी फूलगोभी किस्म हाइब्रिड किस्म है। वजन की बात करें तो सुहासिनी फूलगोभी वैरायटी की एक पौधे से 1.5 किलो से 2 किलो वजन देता है। सुहासिनी फूलगोभी वैरायटी को रवि मौसम में लगाया जा सकता है, यानी शरद ऋतु के लिए यह वैरायटी विकसित किया गया है। अक्टूबर से नवंबर महीना में इसका रोपाई कर सकते हैं।
भारत के इन राज्यों में इसे लगाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन सभी राज्यों में स्वास्थ्य फूल गोभी वैरायटी की खेती किया जा सकता है। अब बारी है फर्स्ट नंबर की। फर्स्ट नंबर पर फूल गोभी किस्म सेजेंटा कंपनी की टेट्रिज फूल गोभी वैरायटी है। दोस्तों, सेजेंटा कंपनी ने टेट्रिज किस्म को 2/5/2019 को विकसित किया है। टेट्रिज फूल गोभी वैरायटी प्लांटेशन से 70 से 75 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाता है। टेट्रिज फूलगोभी किस्म हाइब्रिड किस्म है। फल का आकार डोम शेप कॉम्पैक्ट आकार प्योर व्हाइट होता है। दोस्तों, क्लाइमेट की बात करें तो किसान साथियों, टेट्रिज फूलगोभी वैरायटी ठंड मौसम के लिए ही बनाया गया है। हम इस वैरायटी को शरद ऋतु में लगा सकते हैं। जब टेट्रिज फूलगोभी तैयार हो जाने के समय भी इसका फल यानी फल पत्तों से ढका रहता है, जिससे धूप लगने से फूल का रंग खराब नहीं होता और बोरन की आवश्यकता नहीं पड़ता है। एक पौधा से 1.5 किलो से 2.5 किलो का फल का वजन दे सकता है। टेट्रिज फूलगोभी को रबी मौसम में रोपाई किया जा सकता है, अक्टूबर से नवंबर महीना तक। इस वैरायटी को उत्तर भारत में हम किसी भी राज्य में लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक शेयर भी कर देना। अगर कोई बात आपको सही से समझ ना आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो मैं ये जानकारी मैंने आपको दिया हूँ यह सेजेंटा कंपनी की वेबसाइट से दिया हूँ। मैं कंपनी का कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, इसका जिम्मेवार मैं नहीं हो सकता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।